डिफरेंशिएशन जो स्टार्टिंग है, डिफरेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो डिफरेंशिएशन के जो मेन लॉजिक होता है वो डिफरेंशिएशन दो तरीके से ही है, डिफरेंट से डिफरेंशिएशन बनता है। डिफरेंशिएशन दो चीजों से यूज किया जाता है, एक होता है रेट ऑफ मेजर और एक होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ मेजर और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लेके दूंगा। रेट ऑफ मेजर में भी आपको एप्लीकेशन आएगा और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी आगे जाके आपके डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस भी हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आखिर कैसे हम लोग यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक कर्व है और हमें इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है, या मुझे इसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालना है। मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पी का स्लोप निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट पी का स्लोप निकालता हूं, तो अगर मैं इस पॉइंट पी का स्लोप निकाल दूंगा तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की एप्लीकेशन होगी। कैसे हम इस पॉइंट पी का स्लोप हम निकालेंगे? पहली बात तो ये पॉइंट पी का स्लोप तभी निकल सकता है जब हम इस पी पर एक टेंजेंट खींचेंगे। अगर हम पी पर टेंजेंट खींच देते हैं इस तरीके से, और अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दें तो मुझे इस कर्व के पी पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। लेकिन ये टेंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन का मेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी कर्व लाइन का स्लोप निकालना। हम लोग अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या आगे जाके जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे वो सब स्लोप ही निकाल रहा है, सारे का टेंजेंट से निकाल रहा है, अलग अलग फंक्शंस है। मान लेते हैं कि ये कर्व का एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स और मुझे इस पॉइंट पी का स्लोप निकालना है। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू, पर ये जो पॉइंट पी है और ये जो क्यू है, ये क्यू पॉइंट एकदम पी के जस्ट बगल वाला पॉइंट है, एकदम जस्ट बगल वाला पॉइंट है, जो कि बहुत छोटी लाइन है, बहुत ही छोटी लाइन है। जो इस लाइन को अगर हम उसके बाद ये क्यू इस पी पर चढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है क्यू, एकदम इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के बगल से बाद ही वो कंसाइड कर जाता है, पर है तो इस समय वो लाइन क्योंकि उसके पॉइंट पे है। इंपॉर्टेंट है, मैं इस लाइन को यहां पर ड्रॉ करके आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि क्यू पॉइंट यहां पर है यहां पर, तो मुझे तो लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ यहां पर होने से आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इस लाइन को एक ड्रॉ कर लिया। ये क्यू एकदम इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट है, यानी तब तक लाइन काम करेगा जब तक कि क्यू पी पर कंसाइड ना कर जाए, तो ये लाइन ही काम कर रहा है, राइट। अब मैं इस पी और क्यू का, हम इस पी क्यू पॉइंट लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। अगर मुझे इस पी क्यू का स्लोप निकालना है तो मुझे इसका एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब मैं क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए मान लेता हूं। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए मानता हूं तो ये एक्स का डिस्टेंस काम करता है, तो अगर ये ए यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा कोऑर्डिनेट कुछ यहां पर आ जाएगा, ए कॉमा एफ ए आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक्स की जगह पर ए पुट करूंगा तो मुझे P का कोऑर्डिनेट मिल गया A कॉमा एफ ए, और उसके बाद हमने एक और Q पॉइंट ले लिया। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने H मान लिया, और हम इस पूरे लेंथ का हमारा टोटल हो गया ये A प्लस एच, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। अब आप देखिए, हमें P का और Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब मुझे इस P और Q का जब कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो मैं दो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल लेता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है M इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला होता है Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, जो आप लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा होगा। अब मैं इस Y, अब ये हमारे लिए काम करेगा X1, ये Y1, और ये हमारे लिए काम करेगा X2, और ये हमारे लिए काम करेगा Y2, हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन और एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस एच माइनस ए। ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा इस पी क्यू लाइन का स्लोप हो गया।
पर PQ लाइन एक बहुत छोटी लाइन है, बहुत ही छोटी लाइन है, पर मुझे उस लाइन का स्लोप नहीं निकालना है, मुझे उस लाइन का, उस पॉइंट का निकालना है जब QP पर कंसाइड कर जाएगा। QP पर कंसाइड तभी करेगा जब H जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही H जीरो हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन H जीरो करने से स्लोप नहीं बनता है, क्योंकि कभी किसी पॉइंट का स्लोप होता ही नहीं है, स्लोप हमेशा एक लाइन का ही होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये अगर हम लोग काट देते हैं तो ये हो जाएगा FA प्लस एच माइनस FA अपॉन एच, लेकिन यहां लगा देंगे लिमिट एच स्टैंड टू जीरो। लिमिट एच स्टैंड टू जीरो का मतलब ये हुआ कि एच करीब करीब जीरो के बराबर है पर जीरो नहीं है, करीब करीब जीरो के बराबर है और जीरो नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच की जगह पर जीरो पर के जो अनडिफाइंड वैल्यू है डिफाइन करेंगे तो क्यू पी पर कंसाइड कर जाएगा। और हम इसी को अगर ये एफ एक्स फंक्शन है तो हम इसका नाम देते हैं एफ डैश एक्स। अगर हम इसे, मेरे पास ये वाई है तो हम इसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि मेरा x का बेस है, y का फंक्शन x का बेस है, इसलिए हम लोग ने डिफरेंशिएशन ऑफ x करते हैं जिसका मेन फंक्शन यह है। अब ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ये मेन लॉजिक। तो डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन में हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि इस पी क्यू का मैंने एक स्लोप निकाल दिया जो क्यू पी पर कंसाइड करेगा, तो उस पॉइंट का हमने स्लोप निकाल दिया। तो जैसा जैसा पी क्यू हमारा ट्रांसफर होगा हमारा स्लोप हो जाएगा। अब इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसके हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं वो फॉर्मूला, पहला हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एन और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला बनता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है एन एक्स और एन माइनस वन। ये एन एक्स पे पावर एन माइनस वन ये आया कहां से, ये यहीं से ही आया, इसी फंक्शन से ही आया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फंक्शन कैसे यहां पर प्रूव हो गया, फिर उसके हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हमारे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। अब हम आपको बता रहा हूं कि मेरे फॉर्मूले कैसे जनरेट होंगे वो भी बता रहा हूं। जैसे हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल टू x पे पावर n, तो इसका मतलब x पे पावर n कोई एक फंक्शन होगा, कोई कर्व लाइन होगा, और उस कर्व लाइन के बगल वाला कोई पॉइंट होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, हमने फॉर्मूला बनाया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच स्टैंड टू जीरो इफ एफ डैश एक्स। बेसिकली हम लोग इसको ए माने थे, हमारा ये एक्स प्लस एच का है। तो बताइए मेरा ये फंक्शन कैसा काम करेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर एन काम करेगा। तो बताइए एफ एक्स प्लस एच काम कर क्या करेगा, एक्स प्लस एच पे पावर एन काम करेगा, एक्स प्लस एच पे पावर एन का काम करेगा, क्योंकि हमारा एफ एक्स प्लस एच है और एफ एक्स प्लस, अब x प्लस एच पे पावर n और x पे पावर n को उठा के हम यहां रखते हैं। बेसिकली हम x पे पावर n का वो फंक्शन है जिसके बगल उस कर्व का पॉइंट का हम स्लोप निकाल दें यहां रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एच पे पावर n माइनस x पे पावर n अपॉन एच लिमिट h स्टैंड टू जीरो। अब ये मेरा एलजेब्रा सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, ये एफ डैश एक्स चल रहा है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहां से हम x पे पावर n कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, अगर हम x पे पावर n कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस h बाई x पे पावर n माइनस 1 अपॉन h। मैं x पे पावर n यहां से और यहां से पूरे में से कॉमन लिया तो ये डिवाइड हो जाएगा h बाई x, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये फंक्शन बनेगा एक बाइनोमियल थ्योरम में, आपने रेशनल इंडक्शन पढ़ा होगा, फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 और एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। हम इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, पुट करते हैं x पे पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन ये काम करेगा ये काम करेगा, देखेंगे बहुत ध्यान से, n इंटू एच बाई एक्स प्लस अगला हो जाएगा n n माइनस 1,
यानी एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एच बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच बाई एक्स का होल क्यूब और ये चलता रहेगा अपॉन एच। अब अगर आप देख और ये चल रहा है माइनस वन यहां पर माइनस वन भी और ये माइनस वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वन भी है। अगर आप देखोगे इस पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकल के आ जाएगा एक्स पे पावर एन ये आ जाएगा एन इंटू एच बाई एक्स कॉमन आ जाएगा। आप देखिए इसमें से सब में से कॉमन आ जाएगा बचेगा क्या हमारे पास बचेगा वन प्लस यहां बचेगा एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल टू इंटू एच बाई एक्स। फिर अगला फायदा क्या बनेगा हमारे पास बचेगा एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच बाई एक्स का होल स्क्वायर और चलता रहेगा अपॉन एच। क्या ये एच एच कैंसिल हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे एच की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट एच टेंड टू जीरो चल रहा है लिमिट एच टेंड टू जीरो चल रहा है तो एच की वैल्यू अब जीरो पुट करने वाले हैं। जीरो कब पुट करेंगे जब क्यू पी पर कंसाइड कर जाएगा क्योंकि जब एच जीरो था तो एच तब तक लाइन था एच को हमने जीरो पुट कर दिया तो अब कंसाइड कर गया जैसे कंका डिफाइंड वैल्यू आ गई और ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि हर जगह पर एच है और जब एच की वैल्यू जीरो होगी तो ये सब कैंसिल हो जाएगा बचेगा हमारे पास क्या हमारे पास बचेगा एक्स पे पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स और ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। आप देखिए इसका फॉर्मूला यही बन के आया था एन एक्स माइनस वन हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पर ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के किससे यूज हो रहा है हमारा ये फॉर्मूला आगे जाके फंक्शंस में यूज होगा लेकिन ये आया यहां से है क्योंकि हम ये एक्स पावर एन का एक कर्व का कर्व के लाइन का एक टेंजेंट का इक्वेशन हमने कर्व के टेंजेंट का एक ये स्लोप है और वो कैसा स्लोप है इस कर्व का स्लोप है। अब ऐसा कुछ भी होगा एक्स का क्यूब x पे पावर 4, x पे पावर 5 जो भी होगा उसका आंसर आएगा। मान लीजिए मेरे पास x पे पावर क्यूब है तो मुझे इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर 3 पहले आ गया x स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं पर ये आया यहां से है क्लियर। हम देखो ये क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x हमें ये प्रूफ करना है dy by dx plus sec square x pi by 4 minus x। अब इस क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो कैसा आइडेंटिटी है दिखाता हूं मैं आपको। इस 1 की जगह लिख सकते हैं cos square x plus sin square x और इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x upon similarly we can write 1 as a cos square x plus sin square x और plus 2 sin x cos x। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो रूट के अंदर ये हो जाएगा cos x minus sin x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x plus sin x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी रूट से बाहर आ जाएगा सो वाई इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये आइडेंटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है टैन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई cos x both numerator and denominator numerator denominator में cos x से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा फायदा होगा जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x क्योंकि यहां भी डिवाइड होगा cos tan x। अब ये आ जाएगा y इक्वल टू इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस और इस tan x से पहले कोई नंबर नहीं है तो मैं इसको 1 मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको tan pi by 4 इंटू tan x। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया y इक्वल टू ये हो गया tan
पाई बाय 4 माइनस एक्स, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। फंक्शन मेरा टैन में चेंज हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाला डिफरेंशिएशन होगा और ये चूंकि माइनस है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। कंपोजिट फंक्शन हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन जब हम पढ़ लिए तो इसके बाद आ जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस के क्वेश्चंस किए थे उसमें अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू जैसे 2x³ + 3x, हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्वेश्चन कैसे जनरेट हो गया? हमें क्वेश्चन जनरेट है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहे थे वो y इक्वल टू समथिंग आ रहे थे, तो हम डिफरेंशिएशन कर दे रहे थे किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जा रहा था? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जा रहा था? 6x² + 3। तो फंक्शन हमारा y इक्वल टू समथिंग है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो y के रेस्पेक्ट में तो होगा ही, पर उसके अंदर उसका y का फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे x³ + y³ + 3axy इज इक्वल टू 0, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन, अब ये जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस थे और अब जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस ये है कि y इक्वल टू समथिंग था, अभी यहां पर हमें y इक्वल टू समथिंग बनाना पड़ेगा। अगर बनता भी है तो बनेगा, और नहीं बनता है तो मुझे यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चालू करना। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चालू करता हूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, क्योंकि हमें dy by dx निकालना है। डिफरेंशिएट कर देते क्या हो जाएगा? 3x² राइट प्लस 3y² लेकिन साथ में लगेगा dy by dx। अब इंपॉर्टेंट है ये साथ में dy by dx क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है, हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ रहा है, तो साथ में dy by dx हम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा रहा है मैं आपको यह भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास y का क्यूब डिफरेंशिएशन करना है, मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? d by dx। तो ये d by dx रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर dx है यहां y है, तो मुझे डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या चाहिए? dy चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये d अपॉन dy हो जाएगा और साथ में y क्यूब, साथ में लगेगा देखो dy by dx, क्योंकि अगर मैं d के साथ dy एडजस्ट कर दिया तो डिफरेंशिएशन हो गया और साथ में ये dy अपॉन dx बनेगा। तो ये आंसर, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया 3y² लेकिन साथ में लगेगा dy by dx। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि z³ का डिफरेंशिएशन करना है d by dx, तो मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3z² लेकिन साथ में लगेगा dz by dx लगेगा। यानी जो वेरिएबल का करना है वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे। अगर मुझे t² का डिवीजन करना है d/dx के रेस्पेक्ट में तो आंसर हो गया 2t, लेकिन साथ में लगेगा dt/dx, ये लगाना पड़ेगा जब अगर विथ रेस्पेक्ट में ना हो। अब इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पर डिफरेंशिएशन कर दिया y³ और यहां 3y² तो लगाना इसमें dy/dx, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 3a कांस्टेंट और यहां पर x और y, अगर आप देखोगे ये x है और ये y दोनों है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट, y का डिवीजन क्या हो जाएगा? dy by dx प्लस y कांस्टेंट और x का डिवीजन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में हमें टोटल जगहों पर dy by dx मिला। देखो यहां भी dy by dx मिला, यहां भी dy by dx, तो मुझे dy by dx निकालने के लिए एक तरफ कर देंगे dy by dx को और बाकी वेरिएबल को उधर लेके चले जाएंगे। तो कैसे होगा? अब यहां पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेके 0 से हट जाएगा तो क्या बचेगा? x² + y² dy/dx प्लस ये हो जाएगा ax साथ में लेगा dy/dx प्लस ay इक्वल टू 0।
आप देखिए डीवाई बाई डीएक्स मिल गया हमको, मिला। तो अब इन दो डीवाई बाई डीएक्स में यही रहेगा, बाकी जो ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा डीवाई बाई डीएक्स प्लस सॉरी डीवाई बाई डीएक्स कॉमन, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? ये दोनों इधर ट्रांसफर हो गया। चलिए अब यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब आप देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो पहले जो सवाल थे, जो कंपोजिट जितने भी फंक्शन हम लोग कर रहे थे, वो y इक्वल टू था, अभी हमारे पास इस इक्वेशन में आएगा, तो ऐसे हम को डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से होगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये क्वेश्चन है, पार्ट तो इम्प्लिसिट का है लेकिन इसमें साइन इनवर्स लगा हुआ है। तो हम इस कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो इम्प्लिसिट बनाना पड़ता है, आपको दिखाई नहीं लेकिन उसमें इम्प्लिसिट बना सकते हैं, पहले वाले सवाल जैसा इम्प्लिसिट बना सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल होंगे आगे जाके, फंक्शंस और होंगे जिनका इम्प्लिसिट हमें बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप देखिए ये फंक्शन साइन इनवर्स इधर एडजस्ट हो गया, और अब हम यहां डिफरेंशिएशन करेंगे डीवाई बाई डी एक्स, दोनों फंक्शन इन टू में है, हमें प्रूव करना है डीवाई बाई डी एक्स का मतलब मेरा डीवाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आने वाला है। अब यहां पर हम लगा देंगे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिवीजन करेंगे, ऊपर वाले का डिवीजन हो जाएगा 2x माइनस 2y dy by dx। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है 2x है और माइनस वाई स्क्वायर है मतलब माइनस 2y है, लेकिन साथ में लगा देंगे dy by dx क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर? फिर अगला क्या हो जाएगा, माइनस, अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, अगला डिवीजन क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू, ये हो गया ऊपर वाले का अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है साइन सी और इसका डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला है। अब अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये वाली पोर्शन इधर चली चली जाएगी और ये वाली पोर्शन इधर जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही हम जीरो कर देते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन वैसा ही आ गया जो पुराना वाला सवाल क्वेश्चन था। अब हम जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाता है, और क्या यहां से हम टू कॉमन ले लें, क्या मैं यहां से टू कॉमन ले लूं, क्या ये सारे टू कॉमन लेके बाहर निकाल दूं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बनेगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप बहुत ध्यान से देखो, एक फंक्शन बन गया, मैंने केवल टू को हटा दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसका इसमें हो जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इस पूरे पोर्शन का इसमें मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम यहां मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ इसका एक्स क्यूब फिर इसके साथ इसका माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स फिर इसके साथ इसका प्लस वाई स्क्वायर एक्स इसके साथ इसका प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाहर का माइनस है वो अंदर माइनस चलकर चला जा रहा है, केवल मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसमें कैलकुलेशन, अब देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं कटता है। अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये एक्स क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर
वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर देखो ये और ये है तो कितना हो जाएगा, प्लस टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर एक्स। मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने वाला होगा। देखो ये टू और टू कैंसिल हो गया, यहां से एक एक्स कैंसिल होगा, यहां से एक वाई कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई बाई एक्स, दिस इज द हेंस प्रूव्ड। क्लियर। इस तरीके से हम इस एक और इंप्रेसिव फंक्शन का सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और है, x रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इम्प्लिसिट फंक्शंस दिखाई देते हैं पर उसका y का फंक्शन बन सकता है। मैं आपको यहां पर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड अगला मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको, तो रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो यहीं से डायरेक्ट स्मार्ट हम लोग डिफरेंशिएट करना चालू कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्ट है क्योंकि वाई के साथ एक्स है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यह है कि यहां पर इक्वल टू जीरो है, तो अगर इक्वल टू जीरो है तो मैं इसको ट्रांसफर करके बोथ साइड स्क्वायर करके वाई का फंक्शन बना सकता हूं। अगर यहां जीरो नहीं होता तो फिर ये बनता नहीं, मुश्किल हो जाता। जीरो है इसलिए वजह से हम इसको इधर बनाने, अब पहले मैं इसको बनाकर वाई के फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाता है तो ये हो जाएगा एक्स रूट वन प्लस वाई माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। देख लीजिए स्क्वायरिंग कर दिए है, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर एक्स को इधर ले ट्रांसफर कर देगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहां अगर आप देखोगे तो वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अब ये x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स कैंसिल हो सकता है क्योंकि तो नीचे जाएगा और यहां पर अपोजिट है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाता है एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स, क्योंकि हाँ मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि y माइनस एक्स कैंसिल किया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले था यहां, अब ये बन गया ऐसा, तो मुझे यहां से y का फंक्शन बन सकता है। कैसे, मैं इस y को ट्रांसफर करूंगा, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। आप बहुत ध्यान से देखो, ऐसे फंक्शंस हम लोग शुरुआत में कर रहे थे, y का फंक्शन बन गया। इम्प्लिसिट से y का फंक्शन बन सकता है किसी सवालों में, जहां बनेगा वहां बना देंगे, जहां नहीं बनेगा तो हमें डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे। चलिए यहां पर डिवीजन करना चालू कर दो, डिवीजन रूल लगेगा, क्यों, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस एक्स इंटू वन, इसका डिवीजन, और वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही लाना, ठीक। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन था
वो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ जीरो। अगर यहाँ पर अब यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ वन है, तो अगर इनको ट्रांसफर भी करेंगे तो रूट हटेगा, दोबारा फिर रूट आ जाएगा, क्योंकि जीरो अगर है, अगर जीरो होता तो ट्रांसफर करते तो रूट हट जाता। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही डिफरेंशियल, वैसे यहाँ पर डिफरेंशियल करना चालू कर सकते हैं, डायरेक्ट चालू कर देंगे, ऐसा है ना, आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड आएगा। उसको और आसान करने के लिए हम लोग इसमें एक पैरामेट्रिक फॉर्म जनरेट करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं और वो आसान हो जाता है। कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वन माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है, ये कुछ पैरामेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है मैं बता रहा हूँ, आप लेट एक्स की वैल्यू मान लेंगे साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू एक और एंगल मान लेंगे साइन फाइ। हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री बना लिया, ट्रिग्नोमेट्री बनाने से क्या फायदा होगा, अभी अलजेब्रा आसान हो जाएगा, ठीक। कैसे हम यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाइ प्लस वाई क्या हो जाएगा साइन फाइ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो और ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कैन बी रिटन कॉस स्क्वायर फाई और रूट से बाहर आएगा, सो वी हैव साइन थीटा इनटू कॉस फाई प्लस अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई इनटू कॉस थीटा। और आप बड़े ध्यान से देखिए, हमें एक फॉर्मूला जनरेट हो गया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमें मिला साइन ए प्लस बी, सो कैन आई राइट साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाइव, सो दिस विल बी थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब कैन आई राइट थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन, भाई ये बना है, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई टू, तो कहने जाइए थीटा प्लस पाई इक्वल टू पाई बाय टू। फंक्शन मेरा ऐसा हो गया, पहले फंक्शन ये था, मेरा फंक्शन ऐसा, पर थीटा के टर्म्स में आया, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो थीटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से फाई की वैल्यू होती है साइन इनवर्स वाई। सो क्या मैं इस थीटा के और फाई को उठा के हाथ दूँ, तो आप देखो बहुत ध्यान से, ये बन गया sin inverse x plus sin inverse y equal to pi by 2। और अब अगर हम डिफरेंशिएट करना चालू करें तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा आसान हो, ये आसान हो गया। sin inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon under root 1 minus x square फॉर्मूला में लिखवाया है, और इसका 1 upon under root 1 minus y square साथ में लगेगा dy by dx इक्वल टू जीरो, और यहाँ से dy by dx की हम वैल्यू निकालते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिए dy by dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर ट्रांसफर हो गया, तो dy by dx इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, और ये अभी इसके बाद जो है क्वेश्चन, ये भी एक प्रकार का इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन इस इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ कंपोजिट्स भी हैं, सब उसी तरीके का है। वाई का फंक्शन यहाँ अकेला हो सकता है, ऐसी बात नहीं, इसको अगर नीचे ला दें तो वाई का फंक्शन आ सकता है, लेकिन हम कोई भी फंक्शंस को अगर वाई के साथ है तो वो मल्टीप्लाई के फंक्शन में रहेगा, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना चालू कर दें, चलिए ये वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, वाई कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, जो कंपोजिट बताए थे, कंपोजिट कहानी है, अंदर टी मान रहा है वन बाई टू रूट टी, फिर इसके अंदर वाला डिफरेंशियल हो जाएगा टू एक्स, ठीक। फिर प्लस अब इसका डिफरेंशियल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉन्स्टेंट, और वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए अब डिफरेंशियल करते हैं इसका, log x, log x का डिफरेंशियल हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और अपॉन, फिर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन। आप देखो ऐसा डिफरेंशियल कंपोजिट में कई बार आया था और मैं आपसे कह रहा था कि कंपोजिट में ऐसे फंक्शंस बहुत मिलेंगे आगे जाके क्वेश्चन में, तो बहुत लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं रूट्स में वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, टू और टू कैंसिल होगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्यों सही है, अभी हो जाएगा ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप देखो यहाँ एलसीएम लिए तो यहाँ ये बचा, ये और ये एक जैसा ही बच सकती है माइनस में, तो मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ माइनस लिख सकता हूँ क्योंकि एग्जिस्ट इसका उल्टा है, तो अब मेरे लिए बचा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर इस एक्स स्क्वायर वन को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वाई प्लस, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द आंसर। आई थिंक हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम।